राम राम जी। सरोज सांगवान ब्लॉक में आप सबका स्वागत है। और सब ठीक ठाक होगे? तो आज है सोमवार, तो सोमवार के उसमें मैं भोलेनाथ की एक एक कहानी सुनाती हूँ। सोमवार का दिन था, तो एक भाई बहुत बढ़िया मंदिर था, एक राजा ने बनवा रखा था बहुत अच्छा मंदिर। तो सब पुजारी भाई सोमवार ने जल अभिषेक कर रहे थे और भाई पूजा पाठ कर रहे थे, पंडित भी जा रहे थे और आम आदमी भी उड़े, सब भाई अपने शिव जी के मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे। तो ऊपर तो मतलब आसमान में बिजली कड़की, तो बिजली कड़की तो उड़े था, एक बिजली कड़कने के बाद एक थाल आया, वो आका मंदिर के मतलब शिवलिंग के पास में आ गया। और ऊपर तो भविष्यवाणी हुई है कि भाई जो भी सच्चा भगत है ना शिव का, भोलेनाथ ने भविष्यवाणी करी है कि भाई जो भी मेरा सच्चा भगत है यो थाल उसने मिल लगा, मतलब भोले जी ने उन दर्शन नहीं दिया, आकाशवाणी हुई। और वो थाल उड़ा शिवलिंग के पास मंदिर रह गया सोने का, कति जगमगा रहा नु चमका वो सोना मतलब थाल है। और तब पूजा पाठ जा करे पीछे, फिर सारे पुजारी बोले कि भाई हम रोज भोले की सेवा करे हैं, रोज इसने नवावे हैं, जल अभिषेक करे हैं, अड़े का साफ सफाई करे हैं, आरती करे हैं, यो थाल तम हमने मिलना चाहिए। तो पुजारी लाग गए ठाणे, थाल ने ठाते वो पीतल का हो गया। तो उनका माड़ा हम हो गया कि भाई थारी तो तम तो सच्चे भगत को न्या। फिर दूसरे पुजारी ने ठाया, तो उसका भी नुआ हो गया, वो भी नहीं सुनने का रहा, ठाते पीतल का आया और क्या का बन गया। तो वे तो हो गए भाई फैलवे तो कोने पाए सच्चे भगत है। तो फिर आम उड़ा सेठ बाणिया भी आ रहे थे पूजा पाठ करण, बोले हम इतना दान दे हैं, हमने बहुत दानी है। उन ठा कर देखा तो उनका भी माटी का बन गया वो थाल, फिर उल्टा उड़े दर दे। और तो एक राजा जावा था उड़े का, वो राजा ने सोची भाई तन्ने इतना भव्य मंदिर यो शिव जी का, वो बोलिया मन्ने यो भव्य मंदिर मन्ने बनवा रखा शिव जी का, शिव जी तो मेरे तो बहुत प्रसन्न होंगे। तो थाल तो मन्ने मिल लगा, तो थाल ने ठान लग गया आते वो तांबे का बन गया। तो राजा का भी मड़ा हम हो गया अग भाई हो तो तू भी सच्चा भगत नहीं है, उसने भी उड़ा दर दिया। तो और भी जनता आवे देखा है किसी का वो नहीं बैठा। तो एक गरीब किसान था, वो अपना भाई महीने दो महीने में आया करता मंदिर में, जब उसने कदम फुर्सत सी होती। तो आज वो भी आ रहा था, सोमवार का दिन है, चल तू भी भोले के दर्शन कर। उस दिन थोड़ा कम काम था उसने खेत में, तो फिर मंदिर में आ गया। रास्ते में आवा था जब उड़े एक बेचारा भूखा आदमी बैठा था, वो बोलिया कि भाई कुछ खाना दे दे। तो वो अपने पल्ले का दो रोटी बांध रहा, किसान बेचारा केले रहा अपना दो रोटी गंठा बांध रहा था, बोले भाई मैं उसा तो कुछ नहीं ले रहे, दो रोटी गंठा रोटी बांध वो गंठा ले रहा हूँ प्याज वो बांध रहा था, वो उस तो दे दिया। आ गया मंदिर में, अपना पूजा पाठ कर ली। तो एक आदमी बोलिया रहा तू भी अजमा ले अपने आपने, बोलिया रहा मैं कितका भगत है, मैं तो भाई कदम महीने दो महीने में आऊँ हूँ, अड़े दो चार महीने में कदम माथा टेक कर जाऊँ हूँ, मैं किसा भगत भाई, मन कहना मैं सच्चा भगत था थारे भर के होंगे जो रोज अड़े मुद्दे पड़े रहे हैं। मैं तो भाई फुर्सत सी लागा जब बोले का नाम ले लियो हूँ, काम करता करता ले लियो एक आध भाई, मन कित पुजारी हूँ मैं, कित भगत हो सकू हूँ, थारे भगत न ठहना चाहिए थोड़ा। बोलिया भाई हमने तो सारे ठाकर देख लिया, मारे तो हाथा मानते, यो कद पीतल का बन जाया, कदे माटी का बन जाया, कदे तांबे का बन जाया है। तो वो बोलिया ठीक से तो गणांगा करन लगे, भाई तू भी अजमा ले अपने आप ने, बोले अल कहो हो तो देख लियो, मने बेरा पट्ट भाई मैं तो कित भगत पाऊंगा, मन तो उम्मीद नहीं है भाई, मैं उसका नाम मैं नहीं लेता, इतना मन इतना टाइम नहीं लगता, मैं तो अपने गृहस्थी मैं उल जा रहा हूँ खेती बाड़ी में। तो जिसा उसने हाथ में ठाया वो तो नू का नू जगमगावे, तो सबकी आंख उसकी भी रहेगी खुली की खुली, भाई देखो भाई वो सच्चा भगत था, देख बेशक यो दो चार महीने में आओ था पर सच्चे मन थे, इसके मन में कोई लालच वो नहीं था, अग भी मने यो थाल ठाओ है मने मिलना चाहिए, यो तो जावा था इस आदमी ने अंगा कर लिया ज्यादा ठाया था इसने। और तब वो बोले भाई तू सच्चा भगत, वो बोले भाई बेरा नहीं मैं तो देख कदा कदा नाम लियू दो चार महीने में आया करूँ, पर भोले भंडारी की मेरे पर कृपा होगी। तो वो बोले अग भाई इन यो ईसा नू क्यों करा माड़ा मुद्दे पड़े रहा माना, तो यो ठाते पीतल का बन गया और इसके ठाते यो नू का नू सुनना। तो वो फिर बताने लगे कि भला भाई वो है ना
जिस अभी इसके हाथ छूटे हो, दान भूखे ने दान रोटी है, किसी पशु पक्षी ने यो मतलब जिसा इस पर बना है यो सब की सहायता करे है। तो सब तो बड़ा पुण्य नहीं है मंदिर में आकर जोत बत्ती भगवान देख है, किसी भूखे ने खाना दो पैसे ना पानी दो, वह सब तो बड़ी भक्ति हो है। यो नहीं है कि भाई मंदिर में घंटी बजाए तो भक्ति दिखे है, तो यो बहुत पशु पक्षी आ के इनकी बहुत सेवा करे है कि तो बूढ़ा लाचार हो उसकी सहायता करेगा जिसा इस पर बने है। तो भगवान ज्यादा इस पर प्रसन्न है, न्यू नहीं है कि घंटी बजानते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाओ भाई, सबकी सहायता करो और किसी का बुरा नहीं सोचो, या नीति होगी तो भगवान मंदिर में जाने की भी जरूरत नहीं होती। रोज बेशक मंदिर जाए जाओ और दूसरे का बुरा चाहोगे तो कदे भी अपना अच्छा नहीं होगा। तो यो वो भगत नहीं हुआ था कि भाई वो बेशक मंदिर में नहीं जावा था पर वो किसी का बुरा नहीं करा था। तो यह सोमवार की मेरी कहानी थी, कहानी किसी लगी को गलती हो तो क्षमा करना, और भाई वीडियो ने लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। अरे जय भोले की, जय भोले भंडारी, शिव पार्वती सबके जीवन में खुशियाँ बखेरे और सबके सुख शांति रहे। हम तो यह प्रार्थना करें भगवान ते अग भाई सबके जीवन में खुशियाँ रहे, भगवान का सब पे आशीर्वाद रहे, यह प्रार्थना है। जय भोले की, राम राम जी। सरोज सांगवान ब्लॉक में आप सबका स्वागत है और सब कुछ जा सके। तो आज है सोमवार, तो सोमवार के उसमें मैं एक कहानी सुनाती हूँ।